सबों को जय यीशु। आप लोग सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? और एक बार जय यीशु सबों को। हम नाइन्थ ग्रुप से हैं, तो जब हम लोग प्रेयर मतलब हमारे नाइन्थ ग्रुप में चार जन थे, दो ब्रदर्स दो कैंडिडेट्स। तो जब हम लोग प्रेयर करना स्टार्ट किए तो हम लोग अनुभव किए क्या कि जिस तरह 12 डिसाइपल उन लोग के ऊपर में पवित्र आत्मा का मतलब जो वरदान मिला, उसी तरह हम लोग भी अनुभव किए कि हम चार जन हैं तो पर भी हम लोग के बीच में मतलब पवित्र आत्मा का अनुभव किए। तो जब फर्स्ट में कैंडिडेट को वो घुटने टेक करके उसके ऊपर में प्रार्थना किए, तो वो बाद में बोल रही है कि हम पहले कुछ अंग्रेजी पढ़ने में नहीं आती थी, जब अभी हम प्रार्थना किए तो हमको अनुभव हो रहा है कि क्या हम इंग्लिश पढ़ने सकेंगे, अंग्रेजी पढ़ सकेंगे। और दूसरा पर्सन दूसरा व्यक्ति के लिए प्रेयर किए, तो वो जब सेमिनारी में ज्वाइन किया तो उसके जीवन में उसका मतलब कभी वो सोचता था कभी घर जाएंगे कभी यहाँ आएंगे। तो जब वह हम लोग साथ में प्रेयर किए तो उसको अनुभव हुआ कि मेरे साथ कोई सहारा है, कोई हमको आगे ले जाने के लिए एक व्यक्ति है। और तीसरा पर्सन के लिए प्रेयर किए तो वो भी वैसे सोई जब सेमिनार में ज्वाइन किया तो वो सोचता था कि हम अकेले हैं, हमको कोई नहीं पूछते हैं ना ही हमसे बात करते हैं, वो अकेलापन महसूस करता था। लेकिन जब हम लोग साथ में प्रेयर किए तो उसको अनुभव हुआ कि मेरे साथ कोई हेल्प है, कोई सहारा है, तो अच्छा लगा उसको। जब मेरा बारी आया तो हम प्रेयर कर रहे थे तो हमको लगा कि मेरे ऊपर एक पवित्र आत्मा का बारिश हो रही है, बारिश होने जैसा हमको लगे। तो पहले हमको बहुत सिर दर्द होता था एनी टाइम, जब आज प्रेयर किए तो मेरा सिर दर्द मतलब उतना नहीं होता है। जो इसीलिए हम लोग यही कहना चाहती हूँ कि प्रेयर ही हम लोगों का हथियार है, हम लोगों का तलवार है। तो आज सुसमाचार में सुने कि सीड के बारे में, तो हम लोग हमारे जीवन में ये हम लोगों का मतलब अपने से नहीं आए हुए हैं, पर ये गॉड का देन है, गॉड के द्वारा ही हम लोग ये स्थान पे प्रवेश हुए हैं या उपस्थित हुए हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन हम लोग प्रेयर करेंगे उत्साह के साथ और मन लगा के साथ। होली स्पिरिट वो हम लोगों को ज्ञान देंगे, शक्ति देंगे आगे जाने के लिए। तो यही मेरी कहना है कि हम लोग पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र मन से, पवित्र तन से हम लोग पिता के पास प्रेयर करेंगे, वो हमारा साथ देंगे, हेल्प करेंगे और सब कुछ दिखाएंगे। थैंक यू।